लहर लहर जाह्नवी की उठकर यहाँ पे मस्तक झुका रही है। लहर लहर जाह्नवी की उठकर यहाँ पे मस्तक झुका रही है। है स्वर्ग जाने का रास्ता यहाँ की सीढ़ी बता रही है। है स्वर्ग जाने का रास्ता यहाँ की सीढ़ी बता रही है। ये वो नगर है जहाँ की धरती अदब से चलना सिखा रही है। ये वो नगर है जहाँ की धरती अदब से चलना सिखा रही है। ये वो बनारस है पैर जिसका पवित्र गंगा धुला रही है। ये बनारस है पैर जिसका पवित्र गंगा धुला रही है। जी हाँ, काशी के की राजधानी रामनगर में आज हम लोग इंतहाई खुशी का की एक का एहसास कर रहे हैं कि रामनगर काशी की जो राजधानी है वहाँ पर आज हम लोग चैती उत्सव का पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। पुनः प्रारंभ का करने से मेरा तात्पर्य ये है कि रामनगर इसी जगह से इसी घाट से 500 साल पहले चैती उत्सव की शुरुआत हुई थी और उसके बाद राजा जी महाराज बनारस चैती उत्सव को हर साल करते थे। फिर धीरे धीरे घाट से उठकर वो महल में पहुंचा और महलों में फिर महल में राजा के महल में चैती उत्सव होता रहा। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रथा ख़त्म सी होती गई, बल्कि यूं कहें कि चैती उत्सव धीरे धीरे ख़त्म हो गया। काशी कला कस्तूरी हमेशा से इस बात पर का ध्यान देती है कि किस तरह से जो शहर की सांगीतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, हम उसको कैसे बचाएं, कैसे पुनर्जीवित करें, इसके लिए हमारी संस्था हमेशा कोशिश करती रही है। इसी कोशिश का नतीजा ये है कि आज रामनगर में हम गंगा पे और इतने खूबसूरत बजड़े में बैठकर हम चैती उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसका आनंद आप सब लेंगे। मीर उस्मान अली, जिनको नवाब अवध ने बनारस को दिया कि आप इसके गवर्नर हैं, तो मीर उस्मान अली जब लखनऊ से अवध से बनारस आए तो उन्होंने ये देखा कि बनारस के संस्कृति में बनारस का जो उत्सव है, क्योंकि बनारस तो मस्तों का शहर है, बनारस उत्सवों का शहर है, और इस उत्सव के शहर में जब मीर उस्मान अली आए, मैं सोच रही हूँ कि हमारे मेहमान आ रहे हैं वो आ जाएं। बनारस का ये उत्सव, जो बनारस मस्तों का शहर है, बनारस उत्सवों का शहर है, और मीर उस्मान अली इस उत्सव में शामिल हुए और उन्होंने चैती बुढ़वा मंगल जैसे उत्सवों की शुरुआत की। और आज हम 500 साल के बाद रामनगर की इस धरती पर, इस गंगा के तट पर आज हम लोग, बल्कि यूं कहें कि गंगा माँ के आंचल में आज हम लोग इकट्ठा होकर ये प्रोग्राम काशी का चैती उत्सव का ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और साथ ही इस अवसर पर हमारे आए हुए सभी मेहमान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, हमारे रामनगर के वासी, सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, जो काशी कला कस्तूरी की पैटर्न है, आप यहाँ आ चुकी हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर वी एन त्रिपाठी सर भी यहाँ पहुँच चुके हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर अवधेश सर यहाँ पर मौजूद है और मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बन रहे हैं, हमारे उत्साह को बढ़ा रहे हैं। और आकाशवाणी वाराणसी के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश गौतम जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, वहाँ से रामनगर में आए हमारे काशी उत्सव का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपके हार्दिक शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
पीआरओ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी राजेश जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। राजेश जी हमेशा काशी कला कस्तूरी के साथ साथ रहते हैं, हमेशा हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, हमको नई चीज़ करने की प्रेरणा भी देते हैं, क्योंकि जब बड़ों का साथ होता है तो चीज़ें उत्साह बढ़ता है। हम जिस सोच को लेकर आगे बढ़े हैं तो उस सोच में भी लगता है कि नहीं हमारे साथ लोग हैं, उसमें हमको प्रेरणा मिलती है, हमको हिम्मत मिलती है, हमको हौसला मिलता है। और सीएचएस के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर एन के शाही सर, जो काशी कला कस्तूरी के संरक्षक के तौर पर हैं, एडवाइज़र के तौर पर हैं, मैं आपका भी काशी इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और सब तक की सुरसाधिकाएँ भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी करती हूँ। और साथ ही साथ जो मीडिया बंधु आए हुए हैं, हो सकता है बीच में चले जाएं, इसलिए मुझे बीच में एड्रेस करना पड़ रहा है कि जो हमारे मीडिया बंधु आए हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ के हमारे कुलीग डॉक्टर पूजा सिंह, डॉक्टर पूनम सिंह, हृदयेंद्र सिंह, आप सब यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी हिम्मत बढ़ रही है, हमारा हौसला बढ़ रहा है कि आप सब हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे काशी के इस उत्सव में, जो काशी की राजधानी रामनगर में ये 500 साल के बाद पहली बार चैती उत्सव हो रहा है, मैं इस उत्सव में दिल से आप सबकी आभारी भी हूँ और आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और खुशामदीद भी कहती हूँ। और मैं चाहूँगी हमारे इस बहुत देर से राजेश गौतम सर, डॉक्टर राजेश गौतम सर, आकाशवाणी डायरेक्टर, मेरा ख्याल है 5:30 बजे आ गए थे, तो मैं अपना कार्यक्रम शुरू भी करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग जो लोग अभी आए हैं उनको देर नहीं लगेगी, जो पहले से आ चुके हैं उनको देर लगेगी कि हमारा कार्यक्रम देर में हो रहा है। तो मैं बहुत कुछ अच्छा, सर भी आ चुके हैं और बीएचयू से ज्वाइंट रजिस्ट्रार सर भी, संजय सर भी आ चुके हैं, संजय कुमार सर, सर आपका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम की शुरुआत मैं कर दूँ, और जैसा कि ये हमारी बनारस की ये परंपरा रही है, सांगीतिक परंपरा, कि जब हम किसी इस सांगीतिक उत्सव की शुरुआत करते हैं तो मंगल ध्वनि से करते हैं, तो मंगल ध्वनि के लिए आज हमारी खुशनसीबी है कि बनारस के शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, जो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, आप उनके पोते फतेह अली साहब मौजूद हैं। और ये हमारे इस चैती उत्सव की, और चैती उत्सव में तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने तो बहुत बजाया हुआ है, जहाँ कहीं भी शहरों में और जगह होता था, तो आज मंगल ध्वनि उन्हीं के पोते से हम शुरुआत करेंगे, उनके शहनाई पर मंगल ध्वनि से। हेलो, जब से सेटिंग हो रही है तब से मुझे बिस्मिल्लाह खां साहब की जब भी याद आती है तो मुझे ये शेर याद आता है कि जमी नाचने लगती है, आसमां झूमने लगता है, जमी नाचने लगती है, आसमां झूमने लगता है, ऐसी शहनाई बजाते हैं बनारस वाले, ऐसी शहनाई बजाते हैं बनारस वाले।
हेलो हेलो, मंगल ध्वनि से, शहनाई की खूबसूरत मंगल ध्वनि से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जो कभी 500 साल पहले इसी जगह पे, इसी बजड़े पे, ऐसे ही बजड़े पर, खूबसूरत सजे हुए बजड़े पर आज ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। एक बात मैं बताते चलूं कि महाराजा बनारस ने अंग्रेज को इनवाइट किया था उस वक्त कि आप आइए देखिए, क्योंकि बुढ़वा मंगल वगैरह भी बहुत होते थे। तो उन्होंने कहा अंग्रेज ने कि यहाँ का एक जल उत्सव होता है जो दुनिया में कहीं नहीं नजर आता है, और इस तरह का जल उत्सव, उसने अपनी माँ को खत लिखा, एक लेटर लिखा कि माँ मैंने बनारस में जो चीज़ देखी है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, और यहाँ की बोर्ड जो है दो मंजिला होती है। तो इस तरह से उसने लिखा, उस अंग्रेज ने अपनी माँ को। तो मैं इसी के साथ इस मंगल ध्वनि की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है मंगल ध्वनि से, और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के सुनील सर आ चुके हैं, सुनील चौधरी जी। मैं आपका भी काशी कला कस्तूरी के पूरे टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, प्रोफेसर सुनील चौधरी जी और डॉक्टर प्रभास झा जी, जो कब से यहाँ पे हम लोगों के साथ बैठे हुए, चूँकि हमारे टीम का हिस्सा ही हैं, तो इसलिए मैं अब बाद में नाम ले पा रही हूँ सर। और प्रभास झा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं प्रिंसिपल GIC कॉलेज, GIC रामनगर, रूबी शाह जी, डॉक्टर रूबी शाह जी आ चुकी हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बाकायदा अपने प्रोग्राम की शुरुआत अब करती हूँ। दिनेश जी आ चुके हैं, कलाकार बनारस के, और साथ ही अब आपको एक खूबसूरत आवाज से आप सुनने वाले हैं, जो बनारस की पहचान है, बनारस की शान है, जो बनारस के संगीत के मुकुट का चमकता सितारा हैं, विदुषी सुचरिता गुप्ता जी। इनकी आवाज, ये कहा जाता है कि ऐसी रेयर आवाज भगवान बहुत कम को देता है, और दिया भी है तो विदुषी सुचरिता गुप्ता जी को। और बनारस के मस्तक पर चमकता हुआ आप एक सितारा हैं, और जो हमारा ये चैती उत्सव है, इसमें विदुषी सुचरिता गुप्ता जी चैती के विभिन्न रंग आपको दिखाएंगी। साथ ही साथ, चूँकि इन्होंने, मीर उस्मान अली ने इस चैती उत्सव की शुरुआत किया था 500 साल पहले, तो लास्ट में गज़ल की भी एक परंपरा है, और जो बनारस के संगीत की परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम की जब चैती की शुरुआत होती है तो हम होली से करते हैं, और होली के विभिन्न रंगों को आप देखेंगे सुचरिता जी के गायन में, और उसके बाद चैती के विभिन्न रंग देखने को आपको मिलेगा। और सबसे अहम बात अवधेश सर मैं बताना चाहूँगी कि ठुमरी चैती, चैती ठुमरी, वो बनारस में आज तक किसी ने नहीं गाया है, उस चैती ठुमरी को भी आपको सुनने को मिलेगा विदुषी सुचरिता गुप्ता जी से। और जो हमारा कार्यक्रम होगा लास्ट में, सब तक की सुरसाधिकाएं गाएंगी, उसके बाद हम कजरी से हमारे इस कार्यक्रम के हाँ कविराम होगा। तो इससे पहले कि मैं ज्यादा वक्त लूं, उस मैं विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, जो बनारस की शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप चैती उत्सव की शुरुआत अपने खूबसूरत कंठ से करें। इससे पहले कि मैं एक बोट वाले, जो बजड़े वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही है, तो उसके लिए मुझे कॉल आ रही है कि आवाज़ भी बाहर तक जाए, आप बाहर साउंड कर दीजिएगा साउंड सिस्टम। अच्छा, उसके पहले कि विदुषी सुचरिता गुप्ता जी अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, और एक संदेश आया हुआ है बनारस की बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल की प्रिंसिपल अनीता, डॉक्टर अनीता पॉलिंडे, उन्होंने अपना एक संदेश भेजा है, मैं उस संदेश को पढ़ना चाहूँगी। वो आ नहीं सकी किसी अपने परेशानी के, बीमारी के कारण, कि काशी कला कस्तूरी के कार्यक्रम में उपस्थित सभी समस्त काशी वासियों,
व संगीत प्रेमियों को डॉक्टर अनीता पॉलिंडे का सादर प्रणाम व अभिवादन। काशी कला कस्तूरी एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य संगीत के साथ साथ विलुप्त हो रहे संगीत की विभिन्न विधाओं के उत्थान के लिए अनवरत प्रयास करना है। संस्था की इसी कार्यशैली से प्रभावित होकर ही मैं और मेरा पूरा परिवार इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी संगीत से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति इस बात का को स्पष्ट करती है कि संस्था जिन आदर्शों संकल्पों के साथ स्थापित हुई थी उनको मूर्त रूप प्रदान करने में सफल रही है। काशी सिर्फ घाट मंदिर के लिए ही नहीं बल्कि अपनी कला शिल्प संगीत और संस्कृति के लिए भी विश्वविख्यात है। अतः आप सभी सुधी श्रोताओं की महती जिम्मेदारी है कि इस संगीत के की अलग को अनवरत प्रज्वलित करने में अपना सहयोग प्रदान करें और संस्था के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे। अनीता पॉलिंडी जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो संदेश भेजा है मैंने आपका संदेश इस कार्यक्रम में मैंने पढ़ दिया है। और अब मैं विदुषी सुचरिता गुप्ता जी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अब चैती उत्सव की शुरुआत अपने खूबसूरत गायन से करें। हेलो हेलो हेलो, माइक देख लीजिएगा भैया, मुझे माइक को जानकारी नहीं है। सबसे पहले धन्यवाद डॉक्टर शबनम को कि हमारे बारे में बहुत सारे बता दिया, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा बहुत गाना साधना करती हूँ बस, और कुछ नहीं। होली बीत चुकी है और होली की भी शुभकामनाएं देती हूँ आप सबको। और चैत मास भी चढ़ गया है, कुछ दिन बाद रामनवमी होगी और देवी जी का शुरू हो जाएगा नवरात्र। सभी सुधी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, जो हमारे लिए आप सभी भगवान समान है, आपको नमन करती हूँ। और प्रणाम करके मैं एक होली ठुमरी के साथ शुरू करती हूँ। मेरे साथ मेरे भाई, छोटे भाई फतेह अली जी हैं, बहुत सुरीला बजाते हैं। और मेरे एक रिक्वेस्ट में बोले दीदी मैं आऊँगा। तबले पर ज्ञान स्वरूप जी है और हारमोनियम पर मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव जी हैं। तो मैं सबसे इजाज़त लेती हूँ। अबीर गुलाब
Ah!
गोपाल गुलाल लाल गाय गोपाल अंबर लाल अंबर लाल जमुना लाल गाय गोपाल गुलाल उड़त अबीर लाल उड़त अबीर गुलाल आप गुलाब की पंखुड़ी फेंकी है उड़त अबीर गुलाल गुलाल उड़त उड़त अबीर गुलाल 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 बस बस उधर उधर फेंकी ना उधर चलिए दूसरा गाना अब नहीं नहीं अभी अभी रुक जाइए देखिए पांचवा कलम ही पांचवा कलम ही माइक ठीक करिए ये जो मॉनिटर है ना इसको इधर इधर करो घुमा दो भैया सामने रखोगे तो सीटी मारेगा भाई चाहे ऊपर ऊपर से साइड करो ना लेटा दो इसको ऐसे श्याम मासे करे पा
के काली मैं तू गिरे होली सुनेंगे एक होल एक दादरा और होली गा लेती हूँ, उसके बाद चैती में आती हूँ। गुलाब और है देखिए तकलीफ तो आप लोगों को बहुत हो रही है, गर्मी हो रही है और यही बनारस की मस्ती है। गोकर्ण जी आए हैं, नमस्कार नमस्कार। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ा सा रिवाइव वगैरह डालवाओ ना, थोड़ा इको डिवाइन कुछ डलवाओ यार, एकदम मजा नहीं आ रहा है।
जोरी करो नमो से होरी में बर जोरी करो नमो से होरी में बर जोरी करो नमो से होरी में Ah!
आप लोग इतने विद्वत जन सामने बैठे हैं, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे नानी गुरु सिद्धेश्वरी देवी जी ने इस जमाने के पहले गाए थे, उनको याद करके उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। हर सुगना बोले चैती का ये है कि हो राम होना चाहिए, हर गीत में हो राम होना चाहिए। और यहाँ जो विद्यार्थी है, मैं चाहती हूँ कि विद्यार्थी लोग आप लोग सुनिए इसको। अरे सुगना बोले, सुगना बोले, ए हमारी अटरिया नमस्कार प्रणाम। आप अर्णिमा जी आई है और बनारस एयरपोर्ट की डायरेक्टर है,
और मैं बड़ी बहुत खुशी है कि आप आई हैं और इतने संगीत की आप मर्मज्ञ हैं, इतने संगीत सुनते हैं और गाते भी हैं और लिरिक्स बहुत अच्छा है। तो मैं शबनम को बोलती हूँ Ah
देखिए ये चैत्र ठुमरी की है, ठुमरी थी, और एक चैत्र की दादरा सुनाना चाहती हूँ। चैत्र महीने में ठंडी ठंडी हवा बहती है कि बहता है? बहती है, हाँ, ठंडा ठंडी ठंडी हवा बहती है। हेलो, हाँ, तो क्या होता है? उनका माइक ऑन रखा होगा ना, इसलिए इसको लेटा दो, ऊपर ऊपर की साइड में जाना भाई। और ये गीत जो है, ये जो दादरा है, चैत की दादरा, मैं समर्पित करना चाहती हूँ कि हमारे डायरेक्टर साहब। सबसे ज्यादा हेलो हेलो, चैत महीने में क्या हुआ कि नायिका अपने प्रियतम के लिए रात भर जगती है और उनकी वेट करती है। ध्यान से सुनिए, कौन उठा बैठा करते हैं जो जात, हाँ आप लोग सुन रहे? तो हेलो, क्या हो गया? देखिए, लागी बयरिया हवा, लागी बयरिया मैं सो गई हानन दी, लागी बयरिया, लागी बयरिया मैं सो गई। अरे भैया, हमारे ऊपर गिर जाए तो हम कैसे? सो नहीं जाएंगे, मर ही जाएंगे। लागी बयरिया मैं सो गई हानन दी। अब आगे क्या है? सैया तुम्हारे से मोर सैया तुम्हारे से फिर गए हैराम, लागी बयरिया हा लागी बयरिया, लागी बयरिया मैं सो गई हानन दी, लागी बयरिया मैं सो गई हानन दी, लागी बयरिया मैं सो गई हानन दी। सैया तुम्हारे से सैया तुम्हारे से सैया तुम्हारे से फिर गए हैरा, लागी बयरिया
बहुत सुंदर। और हमारे बीच बाबतपुर एयरपोर्ट से आर्यमा सान्याल जी आ गई हैं और हम लोग के साथ बैठी हुई हैं, इस उत्सव का आनंद ले रही हैं। और मुझे बहुत ही इंतहाई खुशी हो रही है कि अपने दिल्ली के मेहमानों के साथ हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और क्योंकि आप सोचिए, कला और संस्कृति से सान्याल जी को कितना प्रेम है कि बाबतपुर से चलकर यहाँ रामनगर आती हैं और हमारे उत्सव में शामिल होती हैं। आपके आने से हम सब बहुत गदगद हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लग गया है। तो आप आगे हम लोग एक चैती सुनाती हूँ, बिल्कुल हमारे महिलाओं के लिए भी। हाँ, उसके बाद अब तो बोट चल रही है, अभी आप करिए, अभी महिलाएं सब, अब कोई उतरेगा ही नहीं अब तो शुरू, अभी तो महफिल जमी है अब सैया दुआरे से फिरे सबके, कोई बात नहीं, आज फिरने दीजिए, आज शुरू रही है। आज देखिए, हाँ। हमारे एक बहुत प्राचीन और आप लोगों ने सैकड़ों बार सुना होगा, कौन सा चैती बोलिए? नहीं, हाँ, मेरी चैती नहीं, वो चैती नहीं है। हाँ, वो तो दादरा है। हाँ, वो तो दादरा है। मोतिया मोतिया हेरा गेले रामा कहावा में ढूंढू। हाँ। अरे मोतिया ढूंढते ढूंढते हमारी नानी गुरु चली गई, मिला नहीं। उनकी गुरु ढूंढते ढूंढते चले गए, मिला नहीं। गिरजा देवी जी भी गई, हमारे गुरु जी भी गए और मैं भी ढूंढ रही हूँ, अभी तक मिला नहीं। तो क्यों नहीं मिला?
क्योंकि चैत की महीना जो है बड़ा अलसाया हुआ महीना है। आप गाने में भी देखिएगा बड़े अलसाया हुआ होता है। ये हिठैया क्या बात।
देखिए घर की बहू है। अरे देवरा से पूछा था लजाए गईली रामा, देवरा से पूछा तल जाए गई 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 रामा, कहाँ मैं ढूंढूं यही ठैया मोतिया। बनारस की है, हाथ उठाइए कौन कौन बनारस के हैं। अच्छा अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे एक छोटा सा प्रश्न है, वो आप बता दे खोली। कहाँ ढूंढे? अरे ढूंढे आईली, अरे ढूंढे आईली सैया के जुलूफिया हो रामा, 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 कहाँ मैं ढूंढूं यही चैया मोतिया है राधे रामा, कहाँ मैं ढूंढूं यही चैया मोतिया, यही चैया मोतिया, यही चैया मोतिया है राधे रामा। वाह क्या बात है सना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? क्या मैं इतनी गदगद हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं विदुषी सुचित्रा जी की सानिध्य में गंगा की नदी की अंदर बैठकर चैती और दादरा की खुशनुमा, ये जो स्वर का गंगा बह रही है सुर की गंगा, उसमें मैं स्नान कर रही हूँ। बहुत बहुत विमोहित हूँ। और आप लोग इन जो चैती उत्सव में फूलों की वर्षा होती है और ये वर्षा करा रहे हैं पिलग्रिम्स के सनातनी, कहाँ गए आप लोग? रामानंद जी वो आ नहीं सके तो उन्होंने अमर जी और विलायत खान जी को भेजा है कि इन फूलों को लेकर वहाँ पे चैती पे फूलों की वर्षा की जाए। तो मैं रामानंद जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने, विलायत जी कहाँ हैं आप? बिल्कुल, आप ये दोनों लोग इन फूलों को लेकर वहाँ से चले और उन्होंने दिया है सनातनी जी ने। बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों का। और
और सनातनी जी का भी बहुत बहुत, रामानंद जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इस फूलों की वर्षा इस चैती उत्सव में कर दिया है। बच्चों को बहुत शुक्रिया, बच्चों को भी बोल दे रहे भी यहाँ पर भी नाश्ता दे दो, और अभी हम इन लोगों को बुलाते हैं, इन लोगों से भी सुना हूँ। आप लोग आइए, फिर मैं तो गाती रहूंगी। मेरे सप्तक की महिला है, और इसमें खास बात यह है कि हम सारे लोग महिलाएं हैं। तबला जो बजाएंगी और डॉक्टर स्मिता भटनागर जी है, बहुत अच्छा बजाती है और बहुत संगीत के प्रति उनका साधना, विगत कई वर्षों से हमारे संगीत के सप्तक के कार्यक्रम में आप बजाती आ रही है, और इसके पहले भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में भी उन्होंने बजाया। और मैं चाहती हूँ कि सप्तक की महिलाएं मेरे पास आ जाए और सब लोग मिलके हम लोग चैती और चैता गाएंगे। और चैता मैं बता दूं, चैता पुरुष प्रधान गीत है और चैती स्त्री प्रधान, लेकिन पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमारे महिलाएं चैता भी गाएंगे, चैती भी गाएंगे। बिल्कुल, चैता भी गाएंगी, चैती भी गाएंगी। और ये सप्तक बनारस की वो संगीत संस्था है जिसको संचालित करती हैं, और जो विदुषी सुचरिता गुप्ता जी के ही गाइडेंस में ये महिलाएं संगीत सीख रही हैं। मंजू जी आइए, सब लोग आइए। Yeah.
अच्छा चैत महीने में, चैती में जितने भी गाने गीत गाए जाते हैं उसमें रामा का टेक होता है, हो रामा। हो रामा का टेक इसलिए होता है क्योंकि चैत मास में ही रामचंद्र जी का जन्मदिन है, इसीलिए इसी वजह से जितने भी चैत में गाने गाए जाते हैं उसमें लास्ट में हो रामा ही लगता है। आपने अभी देखा होगा कि जितने भी इन्होंने गाने गाए हैं, गीत गाए हैं, सब में हो रामा लग रहा है। अब स्त्रियां पुरुष प्रधान गीत चैता गाने जा रही हैं। Thank you.
चैती गाते परन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय ए परन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय ए परन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय 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 ए परन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय ए परन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय
हम तो
बनी बहार बात माना तू हमार झील तो चैती उत्सव के अंत में एक कजरी होना चाहिए। हेलो, क्योंकि ये हम सावन का स्वागत करते हैं कजरी से और चैती का खात्मा करते हैं हम कजरी से ना। पिया मेहंदी पकड़ ले बागवान सजा होई जो